आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रपति से दया की उम्मीद है। इसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति आज सुना सकते हैं फैसला। चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। 20 विधायकों पर चुनाव आयोग के फैसले को लेकर मयंक गांधी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा है कि आयोग ने कानून के तहत काम किया है। आम आदमी पार्टी को पहले कानून तोड़ना और फिर चिल्लाने की आदत है। आपके नेता कुमार विश्वास ने ईसी के फैसले पर कहा, संसदीय सचिव बनाना केजरीवाल का विशेषाधिकार था। यदि विधायकों की सदस्यता जाती है तो केजरीवाल को कष्ट होगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद वो पार्टी से दूर हैं। आपके पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यदि चुनौती देती है तो इसे कोर्ट खारिज कर देगा। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोग घायल, 1 की मौत। हादसे के शिकार लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सभी लाल किला से गाजियाबाद के अपने घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। दिल्ली के रोहिणी में लड़की की बहादुरी के आगे मोबाइल स्नेचर हुए फंस। मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे स्कूटी सवार स्नेचर का लड़की ने किया विरोध। स्कूटी की चाबी निकाली, जिसके बाद स्नेचर स्कूटर छोड़ फरार हो गए। मोबाइल स्नेचर का बहादुरी से सामना करने वाली लड़की का आरोप है कि 100 नंबर पर कई बार कॉल करने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस को आने में 1 घंटे का वक्त लग गया। दिल्ली के कीर्ति नगर पुलिस ने स्नेचर गैंग का पर्दाफाश किया है। एक महिला समेत 2 को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई महिला पुलिस के वेश में वारदात को देती थी अंजाम। दिल्ली पुलिस की माने तो स्नेचिंग की एक घटना के सीसीटीवी में कैद होने के बाद दोनों आरोपियों की पुलिस ने पहचान की थी। पुलिस की माने तो गिरफ्तार महिला निहाल विहार थाने की बीसी है। दिल्ली रजोकड़ी में जल बोर्ड का टैंकर खाई में गिरा। हादसे में टैंकर ड्राइवर की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दिल्ली के दौरगा सेक्टर 17 इलाके में धुनी की वजह से एक इको कार ट्रक से जा टकराई और पलट गई, जिससे इको कार में सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक ड्राइवर का नाम गोविंद सिंह यादव था और वह विकास नगर इलाके का रहने वाला था। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है। दिल्ली के आनंद पर्वत थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के पास से चोरी की 3 कार 6 बाइक बरामद की है। ये चोर लोनी और बहादुरगढ़ ले जाकर चोरी के वाहन बेचने का काम करते थे।